हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है द फर्स्ट लिप चैनल में। आज मैं फिर से लेके आया हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आइए हम चलिए देखते हैं। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? चुंबकीय डिस्क, माइक्रो कंप्यूटर, सीडी रोम, मोडेम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोडेम कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याहू, गूगल एवं एसएन, ये सब क्या चीज़ हैं? इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड की घड़ियां हैं, शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो ये तीनों तो है ही नहीं है, तो क्या है जी? इंटरनेट की साइट्स हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाई जाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, ह्यूमन वेयर। तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाई जाती है, वो कहलाई जाती है आपका हार्डवेयर। दिस राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फॉर्टन, पास्कल, क्लोवल, बेसिक। तो इसकी राय जो भाषा सबसे पहले प्रयोग की गई थी उसका नाम है फॉर्टन, ऑप्शन ए। और मैं आपको बता दूं, ग्लोबल जो एक लैंग्वेज है इसकी जो फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इस पर लिखा नहीं जा रहा है तो आप सुन लीजिए, कोबल की जो फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? विजय की जगह बेचा जाता है मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रो प्रोसेसर है जो पेंटियम नाम से बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, साइन माइक्रो सिस्टम, इन्फोसिस्टम। तो कंप्यूटर जावा भाषा के जो आविष्कारक हैं वो, उनका नाम है सन माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क या फर्मवेयर। तो जो हम कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं, संचालन करते हैं, उसको चलाते हैं या कुछ भी हम उसमें टाइप करते हैं, कोई भी डेटा कलेक्ट करके रखते हैं, उसको सबको क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। बोला जाता है ना कि भैया इसको सॉफ्ट कॉपी में रखना, तो वो सब क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है? हमें ये देखना है कि कौन सी भाषा इसमें से नहीं है। तो पहला है बेसिक, ये है आपका जो सी का, ये पूरा नहीं लिख पाया है, ये कोबल है, सी ओ बी ए एल, कोबल, फास्ट, फॉर्टन। तो आपकी फॉर्टन भी भाषा है, बेसिक भी भाषा है, ग्लोबल भी भाषा है, लेकिन फास्ट कोई भाषा नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में साम है, कभी कभी वायरस द्वारा आकर आक्रमित होता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है 1 और 2, ऑप्शन सेकंड है 1, 2 और 3, ऑप्शन थर्ड है 1, 2 और 4,
और ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, ये सभी चीज़ें ही हैं। क्योंकि आंकड़ों का भंडार करने में हमें कलेक्ट करने के लिए काम करते हैं कंप्यूटर में, आंकड़ों को विश्लेषण उसका अलग अलग पता करने के लिए करते हैं, कोई चीज़ें हमें छुपा के रखनी है उसमें तो भी हम वहाँ सेव करके रख सकते हैं, है ना। कभी कभी वायरस के द्वारा आक्रमित होता है, कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हैं, डाउनलोड हो जाती हैं उसके साथ साथ में, तो वो चीज़ भी। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य किससे है? रीसेंट एंड एशियंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मेमोरी, रिकॉल ऑल मेमोरीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कुंजी पटल कहलाता है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुंजी पटल जो कहलाया जाता है वो है हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है बाइट, बिट, बग, घन मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल, पेजर, सेल्युलर फोन, इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? हम इंटरनेट को ही कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से ही तो हम ईमेल करते हैं, फ़ोन चलावे वो इंटरनेट से ही सारे काम जो है, तो इंटरनेट को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा, शब्द, उच्च स्तरीय निर्देशन, वैश्विक भाषा, कोई भी भाषा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो कौन सी भाषा समझता है ज़्यादातर? ऑप्शन फर्स्ट, अंग्रेजी भाषा, शब्द, उच्च स्तरीय निर्देश वाले जो देते हैं हम अच्छी तरीके से लिखते हैं उसी को ही वो समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमती में, वातानुकूलन की समस्या, परिकलन क्षमता एवं वृद्ध स्मृति भंडार, बहुआयामी उपयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, परिकलन क्षमता एवं वृद्ध स्मृति भंडार होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम उसमें एक साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य है बेसिक भाषा का यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो असेंबलर पहले नंबर तो जाएगा, असेंबलर क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ कंप्यूटर को जब हम बनाते हैं, अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं उन सबको कलेक्ट करके एक साथ पूरा सीपीयू तैयार किया जाता है, तो उसको कहलाता है असेंबलिंग, असेंबलिंग। और असेंबलर होता है वो करने वाला, तो उसको बोला जाता है राइट आंसर इसका ऑप्शन थर्ड, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, क्योंकि पूरा कलेक्ट करके सारी चीज़ एकत्र कर असेंबलर होकर के फिर एक क्या बन जाए यंत्र बन जाता है, यंत्र में कंप्यूटर बन जाता है पूरा, तो राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है T3A, Yinha 3, Param 10000, J8। तो भारत के द्वारा जो निर्मित किया गया कंप्यूटर था वो था ऑप्शन थर्ड, Param 10000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का विस्तृत रूप है कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर एंड प्रोसेस यूनिट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका मैंने पहले भी जो वीडियो बनाया था शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म बनाया उसमें बताया था CPU का विस्तृत रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर के अनुसार ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, मेगा कंप्यूटर, साइबर कंप्यूटर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिद्धार्थ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की, कॉपर की।
तो जो परत होती है वो किसकी होती है, सिलिकॉन की। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, हरमन हॉलेरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल्ट पास्कल, जोसेफ जैक्यूड। तो इसका जो राइट आंसर चार्ल्स बेबेज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, एनईएक कंप्यूटर, सिद्धार्थ कंप्यूटर, परम कंप्यूटर, डीपी कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनईएक कंप्यूटर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई, 1946 में, 1950 में, 1960 में, 1965 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1946 में। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी अभी मैं 25 क्वेश्चन है, इसके बाद और भी कंप्यूटर संबंधित कुछ प्रश्न है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।